आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। कैमूर निर्वाचन ड्यूटी के दौरान ब्रेन हैमरेज हुए होमगार्ड जवान की इलाज के दौरान हुई मौत। बिहार विधानसभा निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कैमूर जिले का होमगार्ड जवान की कटिहार में ब्रेन हैमरेज हो गई थी, जिनका इलाज के दौरान सोमवार को वाराणसी में निधन हो गया। कटिहार जिले में चुनाव ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान थे तैनात, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम सदर अस्पताल भभुआ में किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में बताया जाता है कि कैमूर जिले के नुआव थाना क्षेत्र में मरथा निवासी सुरेश शाह होमगार्ड जवान के रूप में जिले में तैनात थे। बिहार विधानसभा निर्वाचन में ड्यूटी के लिए कटिहार जिला बल में गए थे, जिनका 7 नवंबर को ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने पहुंचकर उन्हें पटना से वाराणसी ले आए थे और इलाज करा रहे थे, तभी इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर ससम्मान सौंप दिया। वहीं परिजनों ने सरकारी मुआवजे की मांग की। मेरे पिताजी वहाँ चले गए कटिहार इलेक्शन टाइम में, चुनाव में। क्या पिताजी? होमगार्ड के सिपाही जवान थे। इसके बाद में करीबन 11 बजे रात को फोन आया 7 तारीख को कि तुम्हारे पिताजी का ठंड भाई तुम्हारे कुछ पिताजी का ठंड तबीयत खराब हो चुका है। तो वहाँ से गांव से हम ठंडा पूरा मम्मी को मामा को भेजे रिजर्व गाड़ी कर कर। इसके बाद में गए पटना और पटना से उधर से जवान लेकर आए। इसके बाद में हमसे भेंट हुआ 12 बजे करीबन। इसके बाद में कहाँ चेक कराए थे मेरे पता नहीं है। इसके बाद में रेफर जनता कर चुके थे, गए थे बनारस, बनारस कुलवंती हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। तो इलाज के दौरान कब मौत हुई? आज मौत हुआ जी रास्ते 1:30 बजे। तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं बताइए? बोला मैंने सरकारी प्रधान जो है वही आपको चाहिए ना जी। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार गुप्ता। कहाँ गांव है? महारथा। इनको चुनाव ड्यूटी कटिहार गए थे, वहाँ इनका कोढ़ा विधानसभा में कमान कर रहा था, कमान चुनाव कराने। कौन है? सुरेश शाह हैं। क्या चीज़ है? गिरक्षक हैं। होमगार्ड के जवान हैं। तो चुनाव ड्यूटी कटिहार गए थे, तो वहाँ चुनाव ड्यूटी सीनो लौटा 7 बजे, हम लोग देखे। तीसरा चरण में? हाँ, तीसरा चरण में था 7 तारीख को। तो इनका स्थिति खराब था, रोड पर पड़े हुए थे चुनाव के बाद। हाँ, चुनाव के बाद। तो हम लोग गए तो उनको गाड़ी से लाद के सरकारी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से रेफर कर दिया मेडिकल कॉलेज के लिए। मेडिकल कॉलेज में हम लोग ले गए, वहाँ सीटी स्कैन करवाए, वहाँ पता चला कि इनका ब्रेन हैमरेज हो गया है। वहाँ से रेफर कर दिया पटना IGMS हॉस्पिटल। वहाँ हम लोग 1-2 घंटा इंतज़ार किए, वहाँ बेड खाली नहीं रहने के कारण हम लोग का भर्ती नहीं लिया गया। वहाँ से इनके परिजनों ने बनारस स्वतः अपने ले गए इसको। बनारस जी हम पट हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो हम बनारस पटना तक इनके साथ थे। अच्छा, मतलब BHU में इलाज के दौरान मौत हो गया ही ना? तो कंफर्म अभी नहीं हम। हाँ? कुलवंती हॉस्पिटल में ले गया था। अच्छा, मैंने बनारस। बनारस। हाँ। और ये कहाँ का रहने वाले हैं? ये महारथा का रहने वाले, नुआव थाना का। आपका नाम? हमारा नाम उपेंद्र पासवान है। होमगार्ड के जवान है? होमगार्ड के जवान है। ठीक, ओके।